वाले क्यों हुआ था इतना पॉपुलर? क्या दिलवाले 2 आ रही है? दिलवाले 2 में कौन से एक्टर्स दिखेंगे और क्या हो सकती है इसकी प्रोबेबल प्लॉट लाइन? अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन स्टारर दिलवाले 1994 की एक सुपर हिट फिल्म थी जो टिपिकल 90s की मूवी से थोड़ा हटकर थी। तो क्या खासियत थी इस मूवी में और क्या आएगा इसका सेकेंड पार्ट? आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ तमाम बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। इस फिल्म में अजय देवगन एक मेंटली अनस्टेबल लड़के की भूमिका में हैं जिसका नाम है अरुण। अरुण का बिहेवियर बाकी मेंटल पेशेंट से अलग लगने की वजह से डॉक्टर्स को शक होता है और इसलिए अरुण का केस वो इंस्पेक्टर विक्रम को दे देते हैं जिसका रोल निभाया है सुनील शेट्टी ने। आगे चलते हुए हमें दिखता है कि जिन हालातों की वजह से ये सब हुआ उसका जिम्मेदार है मामा ठाकुर, जो कि परेश रावल प्ले कर रहे हैं। मामा ठाकुर ने अरुण से उसका प्यार दूर कर दिया और उसकी माँ को भी काफी तड़पाया। यहाँ अरुण की माँ की भूमिका में हमें रीमा लगू दिखी और अरुण के लव इंटरेस्ट सपना के किरदार में थी रवीना टंडन। बाद में ये देखा जाता है कि सुनील शेट्टी का किरदार विक्रम भी रवीना टंडन से प्यार करने लगता है लेकिन अरुण के चलते वो अपना प्यार कुर्बान कर देता है। इस यूनिक प्लॉट लाइन के लिए ये फिल्म काफी हिट हुई। 90s के वक्त की खासियत ये है कि 70s 80s के एक्शन को छोड़कर ये कंप्लीट लव स्टोरीज पर कॉन्सेंट्रेट कर रही थी और दिलवाले ने लव स्टोरी का तो यूज किया था लेकिन एक हेडस्ट्रॉन्ग पुलिस वाले का रोल इस मूवी में 4 चांद लगा गया। सुनील शेट्टी की परफॉर्मेंस को भी काफी पसंद किया गया और सुनील शेट्टी के किरदार में लोग 70s 80s के एक्शन हीरो की एक झलक देख पाए और अजय देवगन के किरदार में लवर बॉयज के 90s के कैरेक्टर को देख पाए। लेकिन अजय ने भी कोई टिपिकल 90s लवर का कैरेक्टर नहीं पोर्ट्रे किया था और वो प्यार ना पाने के दर्द में डूबे हुए नजर आए। इस फिल्म के फैंस के लिए एक खुशखबरी है, वो ये है कि ये फिल्म वापस आ सकती है, मगर सवाल वही रहता है कि क्या कास्ट चेंज होगी या फिर सेम रहेगी। तो हम आपको बता दें कि कास्ट चेंज हो भी सकती है। जैसे कि हम कहते हैं अपने हर वीडियो में कि ऑडियंस अपने टेस्ट को इवॉल्व कर रही है, तो इस फिल्म में जो बचे खुचे 90s के एलिमेंट है शायद वो ऐड ना हो और रेडिकल चेंजेस के लिए कास्ट भी चेंज कर दी जाए। क्योंकि इस फिल्म में एक यंग लव स्टोरी दिखाई गई है तो शायद आज के नए एक्टर्स जैसे कि राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना इन रोल्स में रिप्राइज कर सके। आज के लोग स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स भी देखना पसंद करते हैं तो शायद प्लॉट लाइन में थोड़े चेंजेस लाए जाएं और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए हमें भूमि पेडनेकर भी नजर आ सकती है। यहाँ हम परेश रावल को विलन के तौर पर देखते हैं और उन जैसे काबिल एक्टर को हम फिर से एक बार विलन के रोल में देखना जरूर पसंद करेंगे। यूजुअली परेश रावल को कॉमेडी एक्ट्स के साथ जोड़ा जाता है लेकिन वो एक मेथड एक्टर है जो सब तरीके के रोल्स कर सकते हैं। इस फिल्म में शायद कोई पॉलिटिकल या अंडरवर्ल्ड रिलेटेड प्लॉट लाइन ना हो इस बार और कोई बेसिक फैमिली से जुड़ी स्टोरी भी हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई कंफर्म खबर इस बारे में तो नहीं मिली है लेकिन हम मेकर्स को जरूर इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनाते हुए देखना चाहेंगे। क्या आप भी एक्साइटेड हैं दिलवाले पार्ट 2 के लिए? कब होगी ये मूवी इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जानने के लिए और आप जुड़े रहिए इस खबर को जानने के लिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है दिया मुखर्जी ने।